जागरूक हो गए लोकतंत्र की विराय बताने वाले ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस में भी कृष्णवर्णियों को महिलाओं को राइट वोट के लिए जूझना पड़ा। वही हमारे संविधान की महान दातुले को जिसने स्वतंत्रता के पहले दिन से सभी महापेलों को मतदान का अधिकार दिया। संविधान जाति धर्म वर्ण लिंग जन्म स्थान ऐसा कोई भेद न करते हुए कानून के आगे सबको समान माना है। संविधान ने अगर हमें मूलभूत अधिकार दिए है तो राष्ट्रीय एकता अखंड रखने के लिए मूलभूत कर्तव्य भी बताए थे। विविधता में एकता यही भारत की शान है। तभी तो 85% आबादी हिंदू होने के बावजूद हमने राष्ट्र को भी धर्मनिरपेक्ष बनाया है, क्योंकि हम मानते हैं क्योंकि भारत माँ के लिए सभी ने अपना योगदान दिया है। हमारा हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्र प्रमुख भी आम आदमी हो सकता है और जनता से ही चुना जाता है, ना कि किसी राज घराने से। आज गरीब का बेटा चाय वाले का बेटा अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से। भारतीय संस्कृति का एक प्रतिबिंब अगर कहीं दिखाई देता है तो वो ही भारतीय संविधान। इसलिए संविधान इस देश में सर्वश्रेष्ठ है और होना चाहिए। प्रणाम करता हूँ मैं भारत के उन दो सुपुत्र को जिन्होंने हमें एक परिपूर्ण संविधान देना का प्रयास किया, और प्रणाम करता हूँ मैं सरदार वल्लभ भाई को जिन्होंने एक अखंड राष्ट्र बनाने के लिए 565 रियासतों को भारत में विलीन किया। जरा सोचो कैसे दिखता भारत का नक्शा आज टुकड़ों में बटा होता। जिन अंग्रेजों ने लैक्स ऑफ पैरामाउंट के तहत भारत माँ को बांटने का इरादा किया था, कुदरत का करिश्मा तो देखो दोस्तों, आज स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। नियति का नियम तो देखो दोस्तों, जिस बैरिस्टर चीना ने बंटवारे की मांग की उसे पाकिस्तान में एक साल से ज्यादा नसीब नहीं हुआ। 47 में बंटवारा हुआ और 48 में जीना साहब जेल में थे। मेरे भाइयों बहनों, इस भारत का